दो बहुत ही बड़े यूट्यूबर के बीच में इस समय घमासान लड़ाई चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, स्कैम क्या है, ये सभी चीजों को बात करने वाले हैं। और केवल मैं यहाँ पे अपना रिव्यू दूंगी कि हाँ ऐसा क्यों है और कौन सही है और कौन गलत है। आप कौन सही है कौन गलत, आप किसके बारे में सोचते हैं वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसके साथ है, सही के साथ या गलत के साथ, दोनों चीजें आप बताइए। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है इसके, आजकल का आपको पता है युवा कैसा है, यूथ कैसा है, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं और किस तरीके से हम इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएं तुरंत, ये सभी के मन में आता है। तो यही मेन, ये सोच मेन कारण है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक यूथ कोई है, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन उन्होंने संदीप सर से अपना क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने इस व्यक्ति का क्या, इस यूट्यूबर का क्या किया, मैंने बैच खरीदा 40-50 हजार का, थोड़ा अमाउंट नहीं बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूछा कि सर मैंने ये बैच लिया, अब मुझे एक भी प्रोग्रेस यहाँ से नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ। क्वेश्चन यहाँ से उठता है और यही मेन कारण है आगे जो आप देख रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। तो क्या हुआ उसके बाद, तो संदीप सर ने क्या बनाया, इस पे एक वीडियो बनाया जिसपे एक उन्होंने थंबनेल लगाया स्टॉप ये स्कैम एक्सपोज्ड का, ठीक है। तो ये उसके बाद से वायरल होते चला गया। अब इसमें हुआ क्या, मेन कारण क्या था कि जो जिस क्या ये रीजन है इसके पीछे, उन्होंने बैच लिया तो बैच परचेज करने की वजह से स्कैम कैसा, तो सब कुछ बताऊंगे, थोड़ा सबर करो। देखो क्या हुआ कि उन्होंने पूछा अपना क्वेश्चन, उसके बाद संदीप सर ने वीडियो बनाई। अब ये पता कैसे चला कि इस बंदे के बारे में ये वीडियो बनाई गई है, जिस उसके सवाल पूछने का थोड़ा बहुत क्ल्यू मिला, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली, उस बंदे ने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि सर मैंने इनका ही जो है बैच लिया, उन्होंने सिर्फ यही कहा सर मैंने इतने का, ये ऐसा मोटिवेशनल या कुछ भी हो, जो भी हो उन्होंने बैच लिया है, उनसे अब उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो अब उनको क्या करना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्लू कैसे मिला, अब जैसे देख सकते हैं आप, सर ने क्या हुआ थंबनेल लगाया था उसमें ब्लैक कोट आदमी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं उस पे उनका चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और जो है वो बहुत सारी बिजनेस के बारे में बात करते, तो सबको ये दो तीन ही क्लू काफी है जानने के लिए कि कौन है वो, आप सभी को भी पता होगा कि कौन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस बैच को उसने परचेज किया, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उस बैच में है क्या, और सच में ये जो है बैच केवल यही था कि आप इस बैच में सीखो कि अगले को ये बैच कैसे सेल करना है, मेन यही चीज है इसमें। आपको वो स्किल सिखाई जाएगी कि हाँ आप इस बैच को अगले आदमी को कैसे जो है सेल करोगे, जो वो आदमी जब लेगा तो कुछ परसेंट आपको मिलेगा, आपने जो बैच लिया कुछ परसेंट उस बंदे को मिला होगा जिससे आपने लिया है, अब आपसे वो बंदा लेगा तो आपको कुछ मिलेगा। तो यही था बिजनेस, यही है स्कैम। अब आपको मेन कारण यही है और मेन रीजन यही है, सारी बातों का जड़ यही था। अब आपको बताना है आप किसके साथ है, इस स्कैम को बंद होना चाहिए या नहीं जरूर बताइएगा, और ये सही है या गलत, और संदीप सर सही है या गलत जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।